हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? हाँ जी, ओके ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ठीक है, सो वेलकम टू जस्ट 9 and 10. मेरा नाम है रुपिंदर कौर. ओके, और आज हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 2. लेकिन एक सरप्राइज भी है, आज मैं एक सरप्राइज मेंटी लेकर आई हूँ. देखिए, क्लास 10th के आने वाले हैं बोर्ड्स. ओके, कईयों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, किसी के आने वाले हैं प्री बोर्ड्स, किसी के हो चुके हैं प्री बोर्ड्स, एंड मार्च में आप लोगों के सबके बोर्ड्स तो हैं ही. और अब तक क्या होना चाहिए, आप लोगों की प्रिपरेशन तो होके रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए. अगर नहीं हुई है तो हम हैं रिवाइज करवाने के लिए इधर. ठीक है, तो आज जो मैं क्विज लूंगी उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मैप वाले पोर्शंस कितने हैं, कितना अच्छे से प्रिपेयर है, कितना. और जो एक दो पोर्शंस और है जो मैंने एग्रीकल्चर और उन सब चैप्टर्स में से डाला है, दैट विल बी लाइक योर एक फैक्टर डिसाइडिंग कि आपने उस पे और फोकस करना है या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो कुछ और सब्जेक्ट उठा के आप पढ़ सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए दिल थाम के बैठ जाओ, इस लेक्चर के एंड में मेंटी क्विज होगी, काफी बड़ी क्विज है. ठीक है, रुपिंदर कौर मेरा नाम है. ठीक है, मैंने मास्टर्स की है ज्योग्राफी में, एंड मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे. ठीक है, इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो आप मेरे प्लस कोर्सेज ले सकते हैं. इन केस आपको लगता है कि भाई SST मेरे को इतनी वीक लगती है कि मतलब मैं नहीं, है ना, मैं बहुत डरता हूँ और आपकी परसेंटेज को ऐसे नीचे खींच के लेके आता है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, मेरा कोड रुपिंदर लाइव यूज करके आप प्लस कोर्सेज ले सकते हैं. ठीक है, वो हो गया. अब टेलीग्राम पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको टाइमिंग्स याद नहीं रहते हैं, तो टेलीग्राम पे जैसी नोटिफिकेशन आती है वो देख के आ जाते हैं क्लास अटेंड करने, गुड थिंग. ठीक है, इसीलिए टेलीग्राम को इंस्टॉल करना, उसके लिंक को, जो हमारा जस्ट 9 and 10 का लिंक है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेरी इजी. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू बिल्कुल फ्री का कंटेंट जो आपको कुछ हद तक आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकता है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए. इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में, और वहां जाके आपको आपने गोल चूज कर लेना है 9, 10 जो भी है. जैसे आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आप 10th चूज कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कोड लगा देना है रुपिंदर लाइव, तो आपको आपका फ्री प्लान मिल जाएगा. ठीक है, सो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है, डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, मेन्यू में जाके स्पेशल में जाके इनवाइट कोड डाल देना है, दैट्स इट. ठीक है जी, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है 6 दिसंबर को, क्या है? आज 5th है, 6 दिसंबर को क्या है, असेंड क्विज. ओ माय गॉड, यस. ठीक है, क्या है असेंड क्विज, ये 11 से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे की क्विज चलेगी. मतलब मैथ्स एंड साइंस क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपने अगर पार्टिसिपेट कर लिया, और क्या है, 5 लाख तक की सब्सक्रिप्शन हम फ्री दे रहे हैं. ठीक है, इन केस मैं बता देती हूँ आपको, यूनिक ऑल सब्जेक्ट्स इन वन पेपर. ठीक है, टू चेक योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग होगी टू कंपेयर योर प्रोग्रेस विद अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, जो आपके ये जो बोर्ड के रिजल्ट्स निकलते हैं, CBSE, ICSE, इन सब के रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या होता है, ऑल इंडिया रैंक होता है ना, AIR 1, AIR 2, ऐसे ऐसे होता है. या सो इट्स ऑल इंडिया रैंकिंग होती है, सो या इट्स गुड. या डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो आपने परफॉर्म किया है आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी कि आप मैथ्स में अच्छे हो, इसमें अच्छे हो, इसमें थोड़े वीक हो, इसमें ज़्यादा वीक हो, या ऐसे है, वो सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी. एंड स्कॉलरशिप्स मिल रही है ₹5 लाख से ज़्यादा तक. ठीक है, नाउ ड्यूरेशन इज 1 आवर, 40 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है, राइट. सो एंटायर NCERT मैथ्स साइंस सिलेबस सब कुछ होगा इसमें. ओके, एंड अगर आप रैंक 1, 2, 3 में आते हैं तो आपको प्लस की सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स के लिए फ्री मिलती है. कितने? 6 मंथ्स के लिए. अगर आप 4th to 10th रैंक लेके आते हैं ऑल इंडिया तो आपको 1 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री है. ठीक है, तो इसीलिए नहीं, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है असेंड क्विज को. आज ही जाना है आपने अनअकैडमी की साइट पे, आपने जाके क्या करना है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, आपने रजिस्टर कर देना, दैट्स इट. आपने कल 11 बजे बैठ जाना है क्विज में. ठीक है, समझ में आ गया? एंड यस, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, या यू कैन डू ग्रेट. तो कल हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर लिया,
हाँ जी मेंटी बेटा लेक्चर के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है ओके। ठीक है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हमने कल किया, मैंने मटेरियल वर्सेस रिसोर्सेज का आपको लिंकेज दे दी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया रिसोर्सेज फ्री है या नहीं, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है, इस क्लास के बाद देख लेना, कोई बात नहीं। फिर रिसोर्स प्लानिंग में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना होता है ताकि आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, नीड वर्सेस ग्रीड का मैंने आपको बताया, लैंड रिसोर्सेज का बताया, माउंटेन्स प्लेट्यूज एंड प्लेन्स अलग अलग से रिसोर्सेज कैसे हैं, जैसे कि माउंटेन्स में टूरिज्म होता है, प्लेन्स में हम एग्रीकल्चर अच्छा कर सकते हैं, रोड्स अच्छी होती है, प्लेट्यू में हमें हैवी मेटल्स मिलते हैं, ये सब कुछ हमने किया, ठीक है जी। मैंने आपको लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में भी बताया था कि आपने कैसे लर्न करना है, परमानेंट पास्चर्स, ग्रेजिंग वाला एंड फैलो लैंड, करेंट फैलो लैंड अदर देन करेंट फैलो, ठीक है। तो ये मोर देन 5 ईयर्स, 1 to 5 ईयर्स, लेस देन 1 ईयर, ये कैसे याद रखना है। नेट सोन एरिया भी हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम आते हैं जी लैंड डिग्रेडेशन और बाकी जो सॉइल टाइप्स आएंगी वो हम करेंगे इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का, इसलिए मैंने इसको अलग लेक्चर में रखा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि है ना हल्के में ले लिया, ऐसा नहीं है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक रेडीमेड क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है अभी, क्या कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होती है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्रिस्प मैनर में लिख देते हैं तो फुल मार्क्स हैं आपके, कहीं नहीं गए आपके सारे मार्क्स, ठीक है। वाटर इरोडेड एरिया होता है, वाटर इरोजन लिख सकते हो, वाटर इरोजन है ना, अगर उस पर पेड़ घास पौधे कुछ नहीं है, मिट्टी एकदम बिल्कुल खाली पड़ी है, पानी और हवा आएंगे, विंड इरोजन वाटर इरोजन दोनों लिख सकते हो, आएंगे और जो फर्टाइल वाली परत है उसको बहा के ले जाएंगे अपने साथ, ठीक है। तो नीचे जो रह जाएगी वो इतनी फर्टाइल लेयर नहीं होती है, सो वाटर इरोजन। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट्स कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या है जो जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी जो परत है उसको पकड़ने के लिए है ही नहीं कोई, ठीक है। देन सेलाइन अल्कलाइन लैंड, सेलाइन से क्या हमारा तात्पर्य है, मतलब ये है क्या होता है जिसमें क्या है सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं वो केमिकल्स से हो सकते हैं, या आसपास कोई समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी है वो आ रहा है, ठीक है। कैसे हम केमिकल्स से कैसे होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल है ना, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ये सब होते हैं, तो क्या होता है इनमें सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि पानी में डिजोल्व होके या तो उस एरिया में रहते हैं या आगे वाले एरिया में चले जाते हैं, वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जैसे वो वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं जो, तो सॉइल का जो पीएच लेवल होता है, ठीक है, एसिड एंड बेसिक कुछ होता है ना, तो पीएच लेवल जो होता है वो सॉइल का डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उस एरिया में जो भी प्लांट्स उग रहे होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो वो फर्टाइल रहती नहीं है सॉइल, सलाइन अल्कलाइन लैंड, राइट। फिर विंड इरोजन का भी मैंने आपको बता दिया, अगर वही सूखी पड़ी है जमीन, कुछ नहीं है उस पर, एंड हवा आई और बहा के ले जाती है सारी पर, तो ये आपका एक पूरा पॉइंट आंसर्स का तैयार। ओके, समझ में आ गया। हाँ, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, देखिए माइनिंग एंड, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा आपको, ठीक है, कॉजेज बता दो जरा है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग क्या होता है, जब बहुत बड़ी बड़ी खाने होती है ना, जहाँ से कहीं गोल्ड निकाल रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, हैवी मेटल्स निकाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिगिंग होती है काफ़ी नीचे तक, तो क्या होता है जब उससे मेटल वेटल सब निकाल दिया, वो खान खाली हो गई तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्वेरिंग इज ऑल्सो सेम है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या, उसको भाई मिट्टी से भर दो, कुछ पौधे लगा दो, कुछ कर दो, उसका रिट्रीटमेंट कर दो ना, नथिंग, खुला छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, बस बंजर जमीन पड़ी रहती है। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जितनी जरूरत है उतना यूज कर लो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है सारे। उससे क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जो चाहिए होते हैं एक्चुअली सॉयल में, वो भी गॉन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जरूरी होते हैं वो भी गॉन, ठीक है, वो भी मर जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, मान लीजिए एक लैंड है, उस पर कुछ नहीं, परमानेंट पास्चर्स मैंने आपको करवाया है, उस पर घास वास उग रहे हैं सब, ठीक है, घास वास सब उग रहे हैं, और गाय भैंस आती है हर रोज इसी पे चरती रहती हैं, ठीक है, खाती रहती हैं, घास को खाती रहती हैं। ओवर मंथ्स क्या होता है, धीरे धीरे घास, मतलब वो जितनी तेजी से ग्रो हो रहा है उससे ज्यादा तेजी से तो उसको खा रहे हैं,
घास उतनी जल्दी बढ़ नहीं पाता एंड ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, तो धीरे धीरे लैंड खाली होने लगती है, कुछ पैचेस इधर खाली आ गए, कुछ पैचेस इधर खाली है, तो अल्टीमेटली खाली। ठीक है, तो क्या है, अब अगर बारिश आई तो फिर भी बह जाएगी ऊपर वाली परत, अगर हवा जोर से चली फिर भी बह जाएगी ऊपर वाली परत, घास नहीं है तो। ठीक है, देन फ्लडिंग, यस फ्लडिंग ऑल्सो लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, राइट, बहुत देर तक पानी खड़ा रहता है या फिर सॉल्ट्स ऊपर आ जाते हैं या फिर मेन जो सॉइल है वो ही इरोड हो जाती है। डीफॉरेस्टेशन तो सबसे मेन है, पेड़ों को काटना, ठीक है, ये आपको पता ही है कैसे होता है। फिर सैलिनिटी, अगेन वो भी इट्स रिलेटेड टू पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसा नहीं कि नेचुरल यूज कर लो, मैन्योर वगैरह यूज कर लो, है ना, वो बहुत कम है। समझ में आ रहा है, या नाउ एंड यस गाइस, जो जो अभी मुझे ज्वाइन किए हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अच्छा एक चीज है, आज आप लोगों की एक सरप्राइज मेंटी है, ठीक है, इट्स ऑन ज्योग्राफी ओनली लेकिन इट्स मेंटी, ठीक है, इसीलिए अपनी अगर जो तैयारी है ना आपकी वो देख लो, आज टेस्ट कर लो कि कितनी तैयारी, आपके मैप्स वैप्स अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि नहीं, वो आज आपको पता चल जाएगा। इनकेस नहीं है तो उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, हाउ टू डील विद इट, हाँ गद्दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन मैम, हाउ डू वी एक्सप्लेन इट इन 5 मार्क्स, गॉट इट, गॉट द आंसर, क्या, हाँ बेटा यू जस्ट हैव टू राइट इट पॉइंट वाइज, और हर एक पॉइंट को एक लाइन में आपने एक्सप्लेन कर देना है, एंड मेक श्योर यू गिव एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स, द मोर एग्जाम्पल्स यू गिव उतना आपको यू नो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट, एंड जहाँ हो सके छोटे छोटे डायग्राम्स बना दो वेर एवर यू फील फिट, ठीक है, फाइन, या हाँ जी सतप्रीत, व्हाट डू यू वांट टू से, हाँ जी हाँ जी, लास्ट में मेंटी होगा, आई यू जस्ट रजिस्टर्ड, अच्छा आई जस्ट रजिस्टर्ड नाउ मैम, अच्छा हाँ जी आज मेंटी होगा, ठीक है, आज है ना टाइटल में, तो टाइटल में अगर मेंटी लिखा तो मेंटी है, ओके, या हाउ टू डील, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, वो रेयर कभी प्रॉब्लम आ जाती है, हाउ टू डील विद इट, कैसे डील करना, नाउ दिस इज अगेन अ 5 मार्कर, अगेन अ 5 मार्कर, हाउ टू डील विद व्हाट, हाउ टू डील विद लैंड डिग्रेडेशन, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इज पेड़ काटना, अफॉरेस्टेशन इज और लगाना पेड़, ठीक है, पेड़ों को लगाना, उससे क्या होगा, डेफिनेटली सॉइल की उस पर पकड़ बन जाएगी और सॉइल कहीं नहीं जा रही फिर, अपनी फर्टाइल सॉइल वहीं पे रहने वाली है, ठीक है। अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट्स, व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, ये मैं हमेशा मतलब इंटरेस्टिंग है, ये आपने खेतों में कभी कभी देखा होगा कि ना खेत है उसके बीच बीच में पेड़ लगाए हुए हैं, है ना, वो एक लाइन में सीधे चल रहे होते हैं, आप जिस मर्जी एंगल से देख लो वो हमेशा एक लाइन, आपकी कार जा रही है ऐसे भी लाइन में है, ऐसे भी लाइन में है, ऐसे भी लाइन में है, सो देयर शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हवा आती है और जो नीचे अगर क्रॉप्स हैं नहीं है फर्क नहीं पड़ता, तो ये हवा को इतनी स्पीड से नहीं जाने देते, ये रोक लेते हैं हवा को, तो शेल्टर करते हैं, बेल्ट्स होते हैं, ठीक है, सो दीज आर शेल्टर बेल्ट्स। फिर कंट्रोल करो ओवर ग्रेजिंग पे, है ना, अगर आप एक जगह पे ग्रेजिंग करते रहोगे तो घास खत्म हो जाएगा, आप थोड़ी देर कुछ हफ्ते इधर ग्रेजिंग करो, कुछ हफ्ते किसी और एरिया में जाके ग्रेजिंग करवाओ अपने एनिमल्स को, फिर दोबारा आ जाओ, फिर करो, सो रिजुविनेट होने का, रिप्लेनिश होने का टाइम दो। कंट्रोल ऑन माइनिंग, ठीक है, माइनिंग करो, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि अगर आप माइनिंग कर रहे हो ना तो उतने ही आपने पेड़ लगाने हैं, अगर आप माइनिंग कर रहे हो खत्म करोगे तो उसके बाद आपको लैंड फिर से भरनी पड़ेगी एंड वहाँ पे ट्रीज लगाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूसिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, नेचुरल है, जितना नेचुरल यूज करो उतना बेटर है, ठीक है। फिर स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स बाय प्लांटिंग बुशेज, सैंड ड्यून्स की कल मैंने आपको बर्शांस और वो सब की मैंने आपको वो भी दिखाई थी, पिक्चर भी दिखाई थी, तो सैंड ड्यून्स होते हैं कि जैसे ही हवा चलती है ना, रेत के जो ढेर होते हैं, हवा चलती है तो ये शिफ्ट होते हैं और साथ वाले एरिया में जाके गिर जाती है रेत, तो जो फर्टाइल लेयर होती है वो कवर हो जाती है सैंड से, ओके, और इससे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ती है, डेजर्ट्स एक्सपैंड होते जाते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए जो रेत में ही उगती है चीज़ें, जैसे कि कैक्टस है, कुछ बुशेज होते हैं, वो लगाओ ताकि वो स्टेबलाइज कर लें। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे और प्लांटेशन बढ़ती जाएगी, घास फूस सा उगता जाएगा, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आप कोई भी 5 लिख दो, आपको एक एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है।
All right. Hi. Hello, everyone. Nishant, Hanji, Shelter Belts. Okay. Hi, Rajni. How are you? Yeah. Now, soil is a resource. Soil कैसे हमारा रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में सॉइल की जब हम बात करते हैं कि हमारे प्लांट्स उसमें उगते हैं, ठीक है. सो वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ना सॉइल इज फॉर्म्ड, अब ये पूछ लिया जा सकता है कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, बनती कैसे है. बड़े पत्थर होते हैं, वो टूटते हैं एंड सॉइल बन जाती है डिफरेंट टाइप की. तो क्या होता है जब वो एक रॉक है ऐसे, ठीक है, वो टूटा राइट, गिर गया नीचे उसके पार्टिकल्स, तो इसको बोलते हैं वेदरिंग. ठीक है, जब वेदरिंग, जब टूटता है रॉक उसको वेदरिंग बोलते हैं. और जो ये टूटे हुए पार्टिकल्स या कोई भी चीज अगर पानी, हवा, बर्फ के साथ बह जाती है आगे, उसको बोलते हैं इरोजन. एक जगह से दूसरी जगह जब कोई चीज बह जाती है उसको इरोजन बोलते हैं, अगर वो एक ही जगह पे रहती है उसको वेदरिंग बोलते हैं. इसीलिए वेदरिंग एंड इरोजन इज नॉट वन थिंग. आज क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे कि वेदर एंड क्लाइमेट इज नॉट वन थिंग, वैसे ही वेदरिंग एंड इरोजन इज नॉट वन थिंग. एंड दैट वेदर इज डिफरेंट, दिस वेदर इज डिफरेंट. वेदर नॉट वेदर, यस, वो वाला वेदर इज ऑल्सो डिफरेंट. सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बाय डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है, कभी गर्मी ज्यादा पड़ गई, बर्फ पड़ गई, प्रेशर ज्यादा पड़ गया, कुछ भी. सो सॉइल कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर टू सपोर्ट प्लांट लाइफ. ठीक है, तो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं. दिस इन टर्न सपोर्ट्स एनिमल लाइफ. सो सॉइल देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सबको सस्टेन कर रही है. प्लांट्स उगते हैं तो एनिमल्स उगते हैं, एनिमल्स उगते हैं तो उनको खाने वाले एनिमल्स रहते हैं. सो सॉइल इज द बेसिक. है जी, हाँ हाँ. कौन सा क्वेश्चन बेटे निशांत? हाय भाविका, हाउ आर यू? मेंटी आएगा, मेंटी आएगा. वेट करो, सॉइल्स कर ले एक बार, फिर उसके बाद मेंटी आएगा. ठीक है, देन यू विल बी लाइक पढ़ा है तो मेंटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर नहीं पढ़ा फिर आपको थोड़ा सा हो जाएगा कि यार काश रिवाइज कर लेते हैं ना. कोई बात नहीं, चैप्टर तो करना ही है ना खत्म. सुनो, अलूवियल सॉइल. देखिए अलूवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल होती है और इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने. कैसे? विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया? अलूवियल सॉइल. विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल? अलूवियल सॉइल. दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, ठीक है. नाउ थर्ड, एरियाज कौन कौन से, कहाँ कहाँ मिलती है? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा वैलीज में. Why? Because alluvial soil कैसे होती है? जब ये rivers flooding से deposit कर देती हैं अपने sediments, alluvial. यहाँ मिलती है. Eastern coastal plains में भी rivers हैं, जैसे कि महानदी है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब हैं, तो Eastern coastal plains में मिलती है. थोड़ी थोड़ी गुजरात, राजस्थान में मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कौन कौन से rivers हैं, जैसे लूनी है, नर्मदा, तापी, ये सब है, तो ये भी थोड़ी थोड़ी वहाँ पे deposit कर देती है alluvial soils. तो जहाँ जहाँ rivers वहाँ वहाँ alluvial soils. ठीक है जी, ओके. सो एलुवियल सॉइल देखते हैं, ये हमारी एलुवियल सॉइल है ये सारी, ठीक है. हियर वी हैव एलुवियल सॉइल, दिस इज आवर एलुवियल सॉइल, है ना. थोड़ी थोड़ी यहाँ भी है एलुवियल सॉइल, ओके. सो ये एलुवियल सॉइल है हमारी, ओके. नाउ एलुवियल भी देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक भांगड़ होती है या भंगार इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एक खादर होती है. सो दिस इज ओल्ड वन, क्या बोलते हैं गुजराती स्टाइल में, ये तो एकदम भंगार है भाई साहब. भंगार मतलब क्या? ओल्ड, खराब, बेकार. क्यों बेकार होती है? बिकॉज इसमें ना कैल्शियम के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो ना पानी को ड्रेन नहीं होने देते अच्छे से, ठीक है. सो हियर भांगड़ हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स. व्हाट आर कंकड़ नोड्यूल्स? कैल्शियम नोड्यूल्स, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स बन जाते हैं. नोड्यूल्स मीन्स छोटे 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 पत्थर से बन जाते हैं, ठीक है, तो वो ना प्लांट को अच्छे से उगने नहीं देते, पानी नहीं कहीं ड्रेन होता. देन वी हैव खादर. खादर इज न्यू एलुवियम, जो अभी अभी रिवर ने डिपॉजिट किया ही है. वाह, वेरी फर्टाइल, ठीक है, उसमें नहीं होते कंकड़ नोड्यूल्स. और इसमें क्रॉप्स कौन सी होती हैं एलुवियल में? वीट एंड राइस तो डेफिनेटली होते हैं. पैडीज, राइस, वीट एंड राइस तो डेफिनेटली होते हैं. शुगर केन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट देयर, ठीक है जी, हाँ.
या प्रेजेंट इन प्लेन्स एक्चुअली समर्थ, या ब्लैक सॉइल नाम में है, ब्लैक सॉइल कलर भी किस किस तरीके के रॉक्स से बनती है, इग्नियस रॉक्स से बनती है, इग्नियस मींस फायर वाले, तभी तो वो ब्लैक होते हैं, इसीलिए उससे भी बनती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक में, ब्लैक सॉइल में होती है वाइट वाइट कॉटन, ठीक है, तो तभी इसका नाम पड़ गया है ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका दूसरा नाम है रेगुड़, बहुत बच्चे रेगुड़ रेड सॉइल को बोल देते हैं, नो, रेगुड़ इज ब्लैक सॉइल, ठीक है। ओरिजिन इग्नियस रॉक्स, एरियाज कौन से हैं, डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप इज अ क्या है हमारा जो डक्कन प्लेट्यू इज अ लावा प्लेट्यू, ठीक है, तो लावा फायर से एकदम पहले रेड रेड होता है ना, तो मतलब फायर है बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो दैट्स वाई इट्स इग्नियस रॉक, ठीक है, तो डक्कन ट्रैप। ओके, व्हाट इज डक्कन ट्रैप, मैं अभी दिखाती हूँ आपको मैं, ठीक है, बसाल्ट टाइप के रॉक से बना है, ठीक है। रीजन डक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डक्कन प्लेट्यू, दिखाती हूँ मैं अभी। फिर मेन एरिया स्टेट्स कौन से हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ा थोड़ा गुजरात में, ठीक है, सो अलोंग गोदावरी कृष्णा वैलीज ऑल्सो। नाउ देखते हैं ब्लैक सॉइल, ओके, ये देखिए, ये हमारा पूरा डक्कन प्लेट्यू है, ओके, डक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो गया ये वाला, दिस वन, तो यहाँ पे सारी ब्लैक सॉइल है, ओके, राइट, ये देखो कृष्णा गोदावरी, गोदावरी कृष्णा वैली, ठीक है, यहाँ पर भी है, राइट, सो थोड़ा सा गुजरात आ गया, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा आ गया, एमपी आ गया, ये आ गया, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ आ गया, गॉट इट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक सॉयल, ये क्लेई है, ठीक है, काफ़ी क्लेई होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मेंटी बस आने वाला है, ये सॉयल्स के बाद मेंटी ही है, डोंट यू वरी, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके, क्लेई होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्लेई, मतलब क्या, चिकनी चिकनी टाइप होती है, और ये चिपकी चिपकी टाइप होती है, चिपकू चिपकू होती है, ठीक है, सो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, काफ़ी ज़्यादा पानी होल्ड कर लेती है। डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई स्पेल। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा कि सेल्फ प्लॉइंग सॉयल कौन सी होती है, सेल्फ प्लॉइंग सॉयल, सेल्फ प्लॉइंग प्लॉइंग क्या होता है, जो ट्रैक्टर होता है उसके पीछे ऐसे यू नो ऐसे करके कुछ लगा होता है ना, तो कोई भी क्रॉप लगाने से पहले ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, ट्रैक्टर को आगे लेके जाते हैं, और ये जो चीज़ होती है वो क्या बोलते हैं उसको, सॉइल को ऐसे बीच में से, है ना, कोम काइंड ऑफ वो करती जाती है, तो उससे क्या होता है, एरिएशन होती है, एयर उसमें आती है, ठीक है, सॉइल में, तो ये क्या होता है, ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये अपने आप ड्राई होने के बाद इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो अपने आप इसकी प्लॉइंग हो जाती है, राइट, सो दिस इज अ सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, ओके, ड्राई जब होती है, सो रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैश लाइम, राइट, सो ब्लैक सॉइल आपने देख ही लिया कहाँ है, रेड एंड येलो सॉइल, व्हाई इज इट रेड, व्हाई इज इट येलो, रेड बिकॉज इसमें आयरन बहुत होता है, ठीक है, फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ये भी इग्नियस रॉक्स पे ही तो है, डक्कन प्लेट्यू, राइट, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डक्कन प्लेट्यू, दिखाती हूँ मैं मैप में आपको, एरियाज ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड वेस्टर्न घाट्स का पिडमोंट जोन, ये रहा ईस्टर्न पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू, पिडमोंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ हमारा जो ये है प्लेन्स है, एंड हमें यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी रेड सॉइल मिल जाती है, रेड एंड येलो सॉइल आसाम में बहुत है, समझ आ गया, तो ये है। नाउ क्यों यहाँ पे आयरन बहुत है, जब हमने इंडस्ट्रीज और वो सब किया था, आई टोल्ड यू कि इसमें आयरन कंटेंट यहाँ पे जो मेन मेन मयूरभंज और वो सब जो है, बोकारो, जमशेदपुर, वो सब यहाँ पे, समझ आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ रेड एंड येलो सॉइल, रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, येलो क्यों होती है, जब उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं तो वो येलो कलर की हो जाती है, राइट। लेटराइट सॉइल, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था स्पेशल क्लास में और बहुत लोगों ने गलत किया था, लेटराइट सॉइल कल पूछा था, पता नहीं
स्पेशल में यहाँ कहीं भी मैंने पूछा था, हाँ कल ही पूछा था यहाँ पे, लेटराइट सॉइल इज ब्रिक सॉइल, लेटर मीन्स ब्रिक एंड इट्स नॉट रेड सॉइल, ठीक है, सो इट्स लेटराइट सॉइल, इसको ब्रिक सॉइल बोलते हैं। सत्कृत याद आ गया, ये तुम्हारे लिए, तुमने कल क्या बोला था, रेड सॉइल, ठीक है, ओके। हाँ, सॉइल प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों होती है, बिकॉज सत्कृत हर जो एरिया बना है वो डिफरेंट प्रोसेस से बना है, जैसे हमारा डक्कन प्लेट्यू है वो लावा से बना है, ठीक है, हर लैंड जो है अलग अलग जो पोर्शंस है वो अलग अलग प्रोसेस से बने हैं, कोई सेडिमेंटेशन से बन रहा है क्योंकि वहां पे रिवर्स हैं, ठीक है, जहाँ रिवर्स नहीं है वहां पे शायद बिल्कुल ड्राई है, वहां पे सैंडी सॉइल हो गई, ठीक है, जहां पे नीचे लावा था वहां इग्नियस रॉक्स हो गए, ब्लैक सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, ठीक है, जो इससे बने हैं हिमालयाज, फोल्ड माउंटेन बने हैं, उनमें नीचे थोड़े थोड़े सेडिमेंट्स भी हैं क्योंकि वो जियोसिंक्लाइन था, वो बात की बात है। सो ये सब चीजें, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक मैटर्स, ओके, सो हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले एरिया में लेटराइट मिलती है। इससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर से, हाई रेनफॉल से क्या होता है, जो सॉइल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो बह जाते हैं बाहर, इट्स कॉल्ड लीचिंग। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटे, अगर आपने ये लेक्चर्स ध्यान से सुन लिए ना, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, आपको साथ के साथ क्वेश्चन बताते जा रही हूँ, देन यू गाइज आस्क मी कि मैम हम बैक क्वेश्चंस पढ़े या हम एक्स्ट्रा भी पढ़े, अरे एक्स्ट्रा ही तो बता रही हूँ, सुनो, लीचिंग पूछ लिया जाएगा आपको, व्हाट इज लीचिंग, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, ठीक है, सॉइल में से, उसको लीचिंग बोलते हैं, एंड इट लीव्स द सॉइल इनफर्टाइल, ओके, तो इसमें कुछ ग्रो नहीं हो पाता अच्छे से, सो लो ह्यूमस कंटेंट ऑल्सो, इट्स कॉल्ड लेटराइट सॉइल, ये ईंटे बनाने के काम आते हैं, ठीक है। हाँ, सो एरियाज कौन कौन से हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम, ठीक है, यहाँ पे टी कॉफी बहुत उगती है, राइट, सो इसमें टी और कॉफी बहुत ज्यादा उगती है, और ये मैंने आपको कैसे याद करवाया था, जब आप नुक्कड़ पे चाय पीने जाते हो तो उसने क्या अरेंजमेंट किया होता है, मैं कहीं भी आप देख लो साइड पे रेडी लगी हुई है चाय वाले की, उसने कैसे बैठने का अरेंजमेंट बनाया होता है, यहाँ पे दो तीन ईंटें लगाई होती हैं और ऊपर एक लकड़ी का फट्टा रखा होता है ना, उस पे बैठो आराम से और बैठ के चाय पियो, है ना, तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, चाय कॉफी पी रहे हो बैठ के, तो ये किस चीज़ों से बनाई, ईंटों से बना हुआ है, तो यहाँ से याद रखना, ईंटें लेटराइट सॉइल और इस पे बैठ के क्या पी रहे हो आप, टी कॉफी पी रहे हो, तो लेटराइट सॉइल में टी कॉफी बहुत होते हैं, और कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, कर्नाटका, केरला, राइट, एंड चाय कहाँ मिलती है, असम, बस इतना याद रखना आपने, ठीक है। हाँ, और चाय के साथ साथ वो आपको फ्री में कैश्यूज भी दे देते हैं कैश्यूज, और ये कहाँ उगते हैं, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, याद रहता है, ठीक है ना, बस कैश्यूज याद रख ले, ठीक है जी। हाँ, सो फॉरेस्ट, हाँ, और मैंने क्या करवाना था आपको, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल हमेशा आपको पैचेज में मिलेगी, हमेशा पैचेज में, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ, थोड़ी एमपी में, थोड़ी यहाँ आ गई, थोड़ी सी यहाँ आ गई, सो आपको हमेशा पैचेज में मिलेगी छोटी छोटी, कोई मेजर एरिया नहीं है लेटराइट सॉइल का, ओके जी, गॉट इट। एरिड सॉइल्स, ये सबको पता होता है भाई, ये रेगिस्तान वाली है, बिल्कुल ड्राई सॉइल है, रेड टू ब्राउन कलर की होती है, सेलाइन होती है, ठीक है ना, और सैंडी कोर्स होती है, राइट, इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है बिकॉज भाई वहाँ पे उग ही नहीं रहा कुछ, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल्स इतने, मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, उसके ग्रेन्स इतने बड़े हैं, उसमें कुछ होल्ड नहीं होता है, पानी भी ऐसे निकल जाता है सब, सो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कंकड़, सेलाइन है मतलब सॉल्ट्स हैं इसमें, तो कंकड़ भी मिलेंगे, कंकड़ इन लोअर लेयर कॉजेज वाटर लॉगिंग, ठीक है, तो कंकड़ नीचे 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 होते हैं, ऊपर अगर तुम पानी लगाते भी हो तो पानी यहीं खड़ा रहता है, राइट, तो ये प्लांट्स इसमें बहुत मुश्किल से उग पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, मैं आपको दिखा देती हूँ एरिड सॉइल, ये राजस्थान वाला, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, तो दीज आर एरिड सॉइल्स, ओके जी। चलो, फॉरेस्ट सॉइल्स वेरी इजी, फॉरेस्ट में ही मिलती है, लोमी एंड सिल्टी सॉइल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके, वैलीज में मिलेगी, ठीक है, जनरली आपको ये जो माउंटेन वैलीज होती है यहाँ पे ज्यादा मिलती है बिकॉज यहाँ पे फॉरेस्ट्स बहुत होते हैं, यहाँ पे रिवर जा रही होती है, मॉइस्चर इनको मिलता रहता है, एंड बढ़िया से ट्रीज यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो फॉरेस्ट सॉइल। कोर्स ग्रेन इन अपर सॉइल्स एंड नीचे नीचे
फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ कि ऊपर ऊपर तो बड़े बड़े पार्टिकल्स इनको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो नीचे तक कौन से आते हैं, हल्के वाले पार्टिकल्स। नीचे तक बिल्कुल छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर थोड़े बड़े बड़े रह जाते हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। पूछ लिया जाता है कि कैसे कोर्स होते हैं, अगर आपको आ गया है, मान लो उन्होंने बोल दिया फॉरेस्ट सॉइल्स पे ही 5 नंबर का लिखो, तो ये आपके सामने पड़े हैं, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, राइट। सो लोमी सिल्टी होती है, वैली साइड्स पे होते हैं, कोर्स ग्रेन अपर में होते हैं, फाइन ग्रेन नीचे होते हैं, दे आर अ बिट एसिडिक। व्हाई आर दे एसिडिक? आपको ये लीव्स दिख रहे हैं गिरते हुए, ये लीव्स गिर रहे हैं, जब ये लीव्स नीचे गिरते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, बिकॉज फॉरेस्ट ज्यादा कहाँ होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं, लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर की वजह से जो लीव्स होते हैं वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते। जब अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टी सॉइल को देते हैं, वो एसिडिक देते हैं। अगर अच्छे से प्रॉपर टेम्परेचर में होते हैं तो वो इतने एसिडिक नहीं रहते, सॉइल एसिडिक नहीं रहती, तो वो अच्छे से डिकम्पोज ही नहीं होते। सो रिवर टेरेसेस अलूवियल बैंक्स पे मिलते हैं। रिवर टेरेसेस क्या होते हैं? रिवर के साइड साइड पे जो ऐसे फ्लैट एरिया होते हैं, कभी कभी वहाँ पे बड़े पेड़ उगते हैं, रिवर बैंक्स पे बहुत ज़्यादा पेड़ उगते हैं, तो वहाँ आपको मिल। ठीक है जी, चलो देखते हैं। सो दीज आर आर फॉरेस्ट सॉइल्स, दीज हेयर बहुत फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, थोड़े थोड़े आपको यहाँ भी मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, हाँ ओके। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, यू गाइज नो कि सॉइल इरोजन क्या होती है, मैंने बता दिया, जो बह जाती है हमारी सॉइल। ठीक है, अब उसको कंजर्व कैसे करना है। हाँ, वेदरिंग और इरोजन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। वेदरिंग इज जब पत्थर टूटा उसी जगह पे गिर गए उसके पार्टिकल्स, दैट इज वेदरिंग। इरोजन क्या होता है, वही जो गिरे हुए पार्टिकल्स हैं पानी और हवा के साथ या बर्फ के साथ आगे बह गए। ठीक है, वो हो गया जी इरोजन। ऑल राइट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे नोट करते रहो साथ साथ में। ठीक है, दो तरीके के इरोजन होते हैं, आपको पूछा जाएगा ये, सो ध्यान से। ठीक है, दो तरीके के इरोजन होते हैं, शीट इरोजन, गली इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, मैं बता देती हूँ। ये देखो, आपको एक गली दिख रही है बनी हुई। ठीक है, तो क्या होता है, बारिश आई या कहीं पे कुछ है ना, बारिश दूसरे एरिया में और कहीं और आके पानी ड्रेन हो रहा है, तो क्या होता है, वो इस तरीके से ना गलियां बना देता है। उस वजह से क्या होता है, गली की फॉर्म में इरोजन होती है। सो व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स, उसको बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बैड लैंड टोपोग्राफी। अब ये देखने में, अब प्लेन लैंड अच्छी लगती है देखने में, अब ये ऐसे आया फिर बीच में गली आ गई, फिर कहीं और चले, यहाँ एक और गली है, यहाँ एक और गली, ऐसे एक और, देखने में बड़ा खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता ये, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और ये चंबल रीजन में बहुत ज्यादा है, रेवाइंस है ना, पान सिंह तोमर वाला एरिया रेवाइंस, और ये एमपी में बहुत ज्यादा है। क्या बोलते हैं इनको, ये जो ऐसे बैड लैंड टोपोग्राफी होती है, ये एरियाज को क्या बोलते हैं, रेवाइंस। तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए, बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है 1, ठीक है, गली इरोजन क्या होता है 2, रेवाइंस क्या होते हैं 3, वेयर डू यू सी रेवाइंस 4, इतने सारे क्वेश्चंस यहां से बन गए, राइट। एंड व्हाट इज शीट इरोजन, शीट इरोजन में ये गली नहीं बनती है, शीट इरोजन में ये गली नहीं बनती है, ये ऊपर की पूरी परत ही बह जाती है, पूरी परत ऐसे बह जाती है, तो गली नहीं बनती, दिस इज शीट इरोजन, शीट। ठीक है, वो भी इन एरियाज में होती है ज्यादा, राइट, समझ में आया। तो अब कंजर्व कैसे करें, ये डायग्राम कितना क्यूट है ना, मैंने बनाया। सो कंटूर प्लॉइंग होती है, जो कि हम माउंटेन्स में करते हैं, टेरेस फार्मिंग होती है, वो भी माउंटेन्स में करते हैं। कंटूर प्लॉइंग क्या होती है, कि स्लोप पे उगाई और यहाँ पे बाउंड्रीज बना दी, ये उगाई यहाँ पे बाउंड्रीज बना दी। ठीक है, तो कंटूअर्स मींस हाइट के अकॉर्डिंगली ही बाउंड्रीज बाउंड्रीज सी बनाते रहना, मिट्टी थोड़ी सी इकट्ठी कर दी, मिट्टी है ना वो बना दी बाउंड्री सी, छोटी सी बना दी, तो कंटूअर प्लॉइंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग में ऐसे स्टेप्स बना दिए जाते हैं, पहाड़ को थोड़ा थोड़ा काट के स्टेप्स बना दिए जाते हैं, तो इन स्टेप्स पे टेरेस फार्मिंग होती है, टेरेसेस बन जाते हैं, स्टेप्स, दे लुक वेरी ब्यूटिफुल, वो है। देन वी हैव स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मीन्स लाइन में ऐसे ऐसे एक साथ नहीं लगा दिए ऐसे, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग, यहाँ पे एक क्रॉप हो गई और यहाँ पे दूसरी क्रॉप हो गई, यहाँ पे एक क्रॉप हो गई, यहाँ पे दूसरी होगी, चाहे बीच में घास ही लगा दिया,
इससे क्या है, कोई भी सॉइल जो बीच वाली है वो खाली नहीं रहती है. शेल्टर बेल्ट्स, आई टोल्ड यू शेल्टर बेल्ट्स ये होते हैं, इनको विंड ब्रेक्स भी बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स भी बोलते हैं. तो विंड ऐसे आई और आगे चली जाती है, और यहाँ से आती है तो यहाँ से एकदम धीमे होके आगे जाती है, यहाँ भी एकदम रुक रुक के जाती है, तो आगे जाके ये क्रॉप्स को, सॉइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती. ठीक है जी. हाँ, फिर आगे चलते हैं. हाँ जी, ये देखो कंटूर प्लॉइंग ऐसे होते, कंटूर प्लॉइंग इज लाइक दिस, ये एंड पे ऐसे बाउंड्रीज बना देते हैं, और ये देखो ये टेरेसेस बने हुए हैं, काइंड ऑफ लाइक ऐसे स्टेप्स होते हैं, ये प्रीटी ब्यूटीफुल, वो टेरेस फार्मिंग होती है. ऑलराइट जी, चले फिर ये वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, मेंटी करेंगे अब. इज एवरीवन रेडी? चलो मेंटी क्विज के लिए रेडी है. ऑलराइट, चलो 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 मेंटी करेंगे. इट शुड बी हियर. वेयर इज इट? या सो कोड आप लोगों को दिख गया. कोड इज 72006501. 25 क्वेश्चंस हैं आपकी ज्योग्राफी की रिवीजन के लिए. सो लेट्स सी. ओके, अच्छा, थैंक यू एकता. कम ऑन एवरीवन, ज्वाइन करो जल्दी 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 जल्दी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जिनको नहीं पता कैसे ज्वाइन करना है, आपके पास ऐप नहीं होगी अभी, तो क्या करना है, आपने ऊपर आपको लाइन दिख रही है स्क्रीन पे, बिल्कुल गो टू www.menti.com, उस पर जाके आप ना ये कोड यूज कर लीजिए, 72006501, कोड इज राइट ऑन योर स्क्रीन, वहां पे जाके यूज कर लो और आप ज्वाइन कर पाओगे. ठीक है, और बीच में रुक गई क्विज वो फिर अलग बात होगी, बिकॉज बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि तो रुक जाती है, लेकिन ऐप से नहीं रुकती है. ठीक है, सो हाँ, यू कैन ज्वाइन एवरीवन, कम ऑन. प्लस में न्यू कोर्स बेटे हर रोज स्टार्ट होते हैं, हर रोज न्यू कोर्सेज स्टार्ट होते हैं. जी हाँ, इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट टू मी, इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस कि कौन सा प्लान लेना चाहिए, है ना, अगर आपके पेरेंट्स को कुछ समझाना है, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, आप रिक्वेस्ट डाल दो नीचे कि आप मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हो, आई विल कॉल यू टुडे इटसेल्फ. ठीक है जी. हाँ जी, वेरी नाइस, लॉट्स ऑफ पीपल ज्वाइनिंग, वेरी नाइस. ओके बेटे, आई एम वेटिंग. तो एंड यस, ऑल ऑफ यू आज ये क्विज तो आप करोगे, बट ऑल ऑफ यू जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं, नहीं भी आने वाले तो 10th, 9th में हो कोई चक्कर नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी प्रिपरेशन को ना होलिस्टिक तरीके से, आज बहुत बच्चे आए, आज बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम 3 महीने रह गए हैं प्लस के लिए, एंड वी वॉन्ट सब्सक्रिप्शन, वी वॉन्ट. आज बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले ली, एंड दे आर लाइक मैम वी वॉन्ट टू इम्प्रूव, मतलब इट्स गुड, राइट? सो इसलिए ऐसा करो, इनकेस आपको कुछ भी डाउट होता है कि मैम ये तो नहीं, ये प्लान है, कौन कौन सा प्लान ले, नहीं समझ में आता, यू कैन इंटरेक्ट विद मी, आप नीचे जाके रिक्वेस्ट में डाल सकते हो. ठीक है, सो वन मोर बच्चे की वेट करते हैं, 30 बच्चे कर ले. ठीक है, चलो, यस एवरीवन, वेरी गुड, स्क्रीन कितनी भरी भरी है. ओके, सो 30 पीपल आर ज्वाइनिंग. एक और, यस 30, सो वी आर स्टार्टिंग. ओके, स्टार्ट करें. सो 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सोच समझ कर, नो मिस क्लिकिंग. पैरादीप सी पोर्ट इज इन, वेरी इजी गाइज, वेरी इजी, सोच समझ कर, टेक अ डीप ब्रेथ, यू कैन डू इट. आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, यू नो इट. ओडिशा, ठीक है.
12 लोगों ने सही दिया है और 19 पीपल गेव रॉन्ग आंसर. ओके अच्छा मेरा कोर्स कब आएगा? मेरा कोर्स तो बेटे 15 दिसंबर को आएगा. 15 दिसंबर को मेरी फर्स्ट क्लास होगी, दैट विल बी हिस्ट्री की क्लास होगी. ठीक है, सो दैट विल बी द फर्स्ट वन 6 to 7 PM. ओके हाँ, सो वी हैव मले फास्टेस्ट, भावना, रिया, चिराग, ग्रेट, तुषार, अच्छा, एल्बानी, वैभव, विधि, जॉर्डन, इरिप्लेसिबल. स्पेलिंग ठीक है? आई डोंट नो. चलो, या हो सकता कोई और वर्ड हो. क्वेश्चन नंबर टू एवरीवन. हाँ, पैराग्लाइडिंग, उड़िया. सो तुंगभद्रा डैम इज इन विच स्टेट? तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका. क्या है जी आंसर इसका? वेरी नाइस, 16 पीपल ने बिल्कुल सही दिया एंड 16 पीपल गॉट इट राइट, तो रॉन्ग, सो 50-50. ओके या अरे बाप रे. रिया फास्टेस्ट, तुषार, वैभव, जॉर्डन, अनिरुद्ध, इरिप्लेसिबल, भावना, चिराग, मलय एंड अल्बानी. यस, वेरी गुड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री. Which dam is built on Mahanadi? Hirakud, Salal, Tehri. आप लोगों को डैम पूछे जाएंगे, so you guys should know it, okay? पता होना चाहिए कौन सा रिवर कहाँ है, उस पर कौन सा डैम है. नहीं पता तो फिर है ना, it's gone. Very nice, Hirakud. बहुत ही बढ़िया. 9 people got it wrong, 22 got it absolutely right. चलिए आगे चलते हैं. हाय अभिस्मिता मंडल, पार्टिसिपेट करो, चलो क्विज में. जो लोग यहाँ मैसेज कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है. क्विज में पार्टिसिपेट करोगे कम से कम पॉइंट्स तो मिलेंगे, हो सकता है आप जीत जाओ. ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. इधर इधर कोई फायदा नहीं है, उधर क्विज में करो. ठीक है, सूर्या, तुषार, वैभव, अनिरुद्ध फास्टेस्ट, इरिप्लेसिबल, जॉर्डन, चिराग, रुद्राक्ष, मलय एंड जानवी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर. राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन नर्मदा, बेटवा, चंबल. कौन सी रिवर पर बिल्ट है ये? ठीक है जी, चंबल बिल्कुल सही जवाब है. राणा प्रताप सागर डैम. हाँ यस चिराग. ठीक है, हीरा महान है ना, याद हो गया ना ट्रिक्स चिराग. या सो हियर वी हैव तुषार ऑन टॉप, देन वी हैव वैभव शर्मा, चिराग फास्टेस्ट, देन जॉर्डन, इरिप्लेसिबल, रिया, जानवी, अनिरुद्ध, मलय एंड विधि. ठीक है जी, वेरी नाइस एवरीवन. And those of you who haven't joined, you can join, you can still join Menti. Okay? Hanji. So question number five, everyone. Sarthika. Where would you find Narora nuclear power plant? Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Kahan milega aapko Narora nuclear power plant? Yes, it is in UP, है ना? If you do remember the mnemonics, तो आप ये कभी भूल ही नहीं सकते हो, कभी भी नहीं भूल सकते.
ठीक है, यूपी है जी आंसर। सो तुषार ऑन टॉप अगेन, वैभव फास्टेस्ट, स्लोली इंचिंग हिज अवे टुवर्ड्स द टॉप, है ना, अगेन वैभव, बट तुषार इज गिविंग यू अ गुड फाइट, एवरीवन अ गुड फाइट। जॉर्डन इज ऑल्सो डूइंग नाइस, रिया वेरी गुड, चिराग इरिप्लेसेबल, अनिरुद्ध, भावना, जानवी, इनबानी, एवरीबडी डूइंग ऑसम, ग्रेट ग्रेट गाइज, ग्रेट, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस हैं? ये आपकी पूरी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, ये मैप क्वेश्चंस हैं, है ना बेटे, बोर्ड्स आने वाले हैं ना। वेयर वुड यू फाइंड बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये मिनरल्स के हैं, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, ठीक है, झारखंड, यस, 22 पीपल की absolutely right answer, and okay, very nice, very nice. Tushar, Vaibhav, Jordan, fastest, Riya, Anirudh, irreplaceable, Chirag, Bhavna, Janvi and Albani. Okay, map to maine padha hi nahi, Ekta Singh, beta map to padhna padega, अगर नहीं पढ़ा तो फिर 10 नंबर, 12 नंबर तो फिर आप दे दो, टीचर को ही दे दो, कि आप मान के चलो कि 12 नंबर आपके गए, फिर 12 नंबर से कम में अपने लगा लो फिर मार्क्स, ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है मैप्स, राइट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दम, यू कैन नॉट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू अरेबियन सी? अरेबियन सी में कौन से रिवर्स फ्लो करती है? दिस यू शुड नो, पद्मा, कृष्णा, मांडवी एंड जमुना, इन सब में से। यस, मांडवी कहाँ की रिवर है? गोवा की रिवर है। कृष्णा बे ऑफ बंगाल में जाती है आंध्र प्रदेश से होते हुए। पद्मा इज अनदर नेम फॉर गंगा जो कि बांग्लादेश चली जाती है। जमुना इज अनदर नेम फॉर ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल से बांग्लादेश में जाती है। ये सारी जाती है बे ऑफ बंगाल में। मांडवी इज अ रिवर ऑफ गोवा जो कि अरेबियन सी में जाती है। अगर तापी और नर्मदा होती तो ठीक है ना, वो तो इजी है, लेकिन मांडवी नहीं ना पता किसी को, यू शुड नो, ओके। द टेबल्स हैव टर्न अ लिटिल बिट। तुषार, जॉर्डन फास्टेस्ट, वैभव, रिया, अनिरुद्ध, जानवी, रिप्लेसेबल, चिराग, भावना एंड रुद्राक्ष। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सलाल डैम इज ऑन विच रिवर? रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब। सलाल डैम कहाँ मिलेगा, किस रिवर पे मिलेगा? वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है जी, 15 पीपल, बिल्कुल सही जवाब जनाब, एकदम सही जवाब। तुषार ने बहुत काफी लीड ले लिया, अबाउट 1000 मार्क्स की, एंड जॉर्डन, रिया, अनिरुद्ध, वैभव, भावना, रुद्राक्ष, फास्टेस्ट, इरिप्लेसेबल, चिराग एंड जानवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रेगुड़ इज अनदर नेम फॉर रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल। अब मैं ऐसे ही क्या करूंगी, रोज सरप्राइज मेंटीज लूंगी आपके, ताकि प्रेपरेशन का पता तो चले आप लोगों को, इतनी प्रेपरेशन हो रही है। सो इट्स नॉट फिक्स्ड कि मैं ज्योग्राफी में आपकी ज्योग्राफी की ही ले रही हूँ, मैं हिस्ट्री की भी क्लास ले सकती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की भी मेंटी ले सकती हूँ। सो इट्स ऑलवेज गन बी अ सरप्राइज मेंटी, आपको नहीं पता होगा कौन सी मेंटी आ रही है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम, ठीक है, इट्स गन बी ऑसम, ठीक है। सो या ब्लैक सॉइल,
बिकॉज अगर वही चीज़ है, बता दूंगी वही मैंने पढ़ाया चैप्टर, अभी उसी की मेंटी क्विज ले ली, सो इट डज नॉट गिव अ गुड रिजल्ट, बिकॉज अभी पढ़ा अभी उसके क्वेश्चन कर लिए हैं, वो नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी चेक करनी है, ठीक है। सो तुषार, जॉर्डन, रिया, अनिरुद्ध, वैभव, भावना, रुद्राक्ष, फास्टेस्ट अगेन, सो इरिप्लेसिबल, ठीक है, ओके सात्विक, ये बेटा टेंथ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपकी बुक में से ही हैं सारे, ऑलमोस्ट चैप्टर्स जितने भी आपके उसमें से हैं, बाहर से कुछ नहीं है। वेयर वुड यू फाइंड तलचेर कोल माइन, मिनरल्स का चैप्टर है, वेयर वुड यू फाइंड तलचेर कोल माइन, चाहे थ्योरी नहीं आएगी लेकिन मैप्स आएंगे आपको उसके। अगर आपको लगता है कि है ना मैम वो तो कट गया है चैप्टर, मैंने कल ही अपनी क्लास में पीडीएफ दिखाई बच्चों को एंड उनको पता चला कि स्पेशली नीचे ब्लैक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है इटैलिक्स में कि ये थ्योरी नहीं आएगी बट डेफिनेटली मैप्स आएंगे, तो मैप्स लिखा हुआ है, हाउ कैन यू इग्नोर सच अ बिग थिंग कि वो नहीं आएगा, वाटर रिसोर्सेज तो है नहीं, मिनरल्स वो तो है नहीं, वो तो इंडक्टेड है चैप्टर, वो नहीं आएगा, अरे आएगा आएगा मैप्स में आएगा, ठीक है, सो डोंट लीव इट आउट। सो यस, ओडिशा तलचेर कोल माइन बिल्कुल सही है। फीनिक्स बायो जोन वाली मैम, अच्छा फीनिक्स वाली है, फीनिक्स में इकोमानिया भी है, ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, वो चैनल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, फीनिक्स इकोमानिया, ठीक है, मैं आपके साथ ना मैं स्पेशल क्लास में भी लिंक शेयर कर दूंगी, आई विल टेल यू, वो भी आप करो ज्वाइन, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। सो या तुषार फास्टेस्ट, रिया, अनिरुद्ध, जॉर्डन, इरिप्लेसिबल, रुद्राक्ष, वैभव, चिराग, बानी एंड भावना, ओके ओके बेटे, क्लास नाइन्थ की भी सरप्राइज ही लेंगे हम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वुड यू फाइंड कुद्रेमुख आयरन ओर माइन, कुद्रेमुख आयरन ओर माइन कहाँ मिलेगी, केरला, कर्नाटका, बिहार, कर्नाटका बिल्कुल सही, कुद्रेमुख मीन्स लिटरली मीन्स हॉर्सेस माउथ, एंड आई टोल्ड यू द स्टोरी, है ना, आयरन वाली, क्या आयरन बेल्स मंगवाई थी, बेलेरी, कुद्रेमुख, है ना, देन सालेम, दैट्स व्हाट वी डिड, राइट। तुषार बहुत लीड ले लिया, अराउंड 2000 मार्क्स, गुड यार। अनिरुद्ध, रिया, इरिप्लेसिबल, जॉर्डन, रुद्राक्ष, बानी, वैभव, चिराग एंड भावना, ठीक है जी, ओके। Why I am not in top 10? I gave all answers right. बेटा आपने दे दिए होंगे ऑल आंसर्स, हो सकता है कि आपके बहुत देर बाद आंसर्स दे रहे हो, आपके पॉइंट्स आप मैच कर लो लीडर बोर्ड के साथ, आपके पॉइंट्स अगर उतने एडअप नहीं हो रहे हैं, है ना, तो दैट्स वाई यू आर नॉट इन लीडर बोर्ड, वो रीजन हो सकता है, बट स्टे स्ट्रांग, अभी हाफ क्विज भी नहीं हुई है, यू कैन बी इन लीडर बोर्ड, फास्ट फास्ट आंसर करो, सही आंसर करना, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन कृष्णा गोदावरी महानदी, एंड आई एम नॉट डूइंग दिस, ये मेंटी क्विज का वो जो है अपने आप एल्गोरिथम चलता है, इसमें मेरा कोई नहीं है कि मैं किसी को भी टॉप पे रख सकती हूँ, किसी को भी नीचे, आई एम नॉट डूइंग दिस, ठीक है जी। हाँ बेटा, ये आपके वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर, उसमें से सिर्फ डैम्स पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, येस, एंड आई गेस इट इज सेकेंड चैप्टर ओनली, या वाटर रिसोर्सेज। सो कृष्णा, यस 20 बिल्कुल सही, ओके। तुषार अगेन एंड अनिरुद्ध ऊपर आ चुके हैं, कितना यार सेकंड पे, रिया, रुद्राक्ष फास्टेस्ट यार, ओके, इरिप्लेसिबल, बानी, जॉर्डन, जानवी, भावना, थॉमस, ओके, सो क्वेश्चन 13 टू 25 ऑफ 25, सॉरी,
मीनमबक्कम एयरपोर्ट इज इन केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना. केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना. ठीक है ना. चेन्नई एक्सप्रेस मीनम्मा, वहां से याद करवाया था ना, तमिलनाडु. यस. वेरी नाइस. सो तुषार, अनिरुद्ध, इरिप्लेसिबल, रुद्राक्ष, श्रिया, बानी, भावना, वैभव, फास्टेस्ट, जॉर्डन एंड थॉमस. ठीक है जी, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Where would you find Kalapakkam nuclear plant? है ना, कितने बच्चे रो रहे हैं ना चैट में, मैम प्लीज सिर्फ मैप से मत पूछो. क्यों? बिकॉज तुम लोग मैप से डरते हो, बहुत डरते हो तुम लोग मैप से. तुम लोग जिस चीज से डरते हो वही चीज मैं बार बार तुम्हारे सामने लेके आऊंगी. तुम देखो जरा मैप में, तो मैं एक भी गलत नहीं होने दूंगी तुम लोगों का ना एग्जाम में. शुड नॉट बी रॉन्ग. एंड सत्कृत, चिराग, तुम कौन सी क्लास में? तुम टेंथ में हो, तो डरना ही नहीं चाहिए. यू शुड बी लाइक, मैम 100 क्वेश्चन दे दो मैप पे, एक भी क्वेश्चन ना गलत हो मेरा. फ्री के नंबर यार, फ्री के नंबर है. ओके, यस, तमिलनाडु. डरा मत करो. तुषार, अनिरुद्ध, फास्टेस्ट, इरिप्लेसिबल, रुद्राक्ष, रिया, बानी, भावना, थॉमस, जानवी एंड चिराग. ठीक, ये ही नहीं है, सिर्फ एक मैप यहां. तो तुम्हारी गलती है, तभी तो डर रहे हो. तुम्हारी गलती है ना, तुमने नहीं किया. मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो अपना होमवर्क किया, मैंने तो क्विज बनाई है ना. तुम लोगों ने नहीं किया, फिर मेरी कोई गलती नहीं है. वीट इज अ डैश क्रॉप. राबी, खारिफ, जैद. रबी, खारिफ, जैद. वीट कौन सी क्रॉप है? आइए. हाँ जी, बिल्कुल सही. 21. वेरी गुड, वेरी गुड. तुषार, अनिरुद्ध, इरिप्लेसिबल, बानी, रुद्राक्ष, भावना, फास्टेस्ट, रिया, चिराग, वैभव एंड जॉर्डन. ठीक है जी, आगे चलते हैं. गुड, आज सारे मैप कर लेना. ठीक है यार, आई एम गेटिंग दिस कॉल. हेलो, हाँ जी, दे दो तुसी बार, किसी नू दे दो. मैं क्या बार किसी नू दे दो तुसी, मैं बिजी हाँ. हाँ जी, हाँ जी, फड़ा दो गेट ते, किसी नू फड़ा, वो भी दे देंगे. किसी नू कह दो तुसी, मैं ना बिजी हाँ, मैं बाद चाहूंगी. I have a courier and I have to make a call now. Guys, please excuse me for a while, please. Okay. So, western winter rainfalls कैसे आती हैं? Western disturbances से आती हैं, and you know that. मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि Mediterranean Sea से आती हैं. ठीक है जी? So, Tushar, fastest, Anirudh, irreplaceable, Rudraksh, Bani, Bhavna, Riya, Chirag, Vaibhav and Jordan. Theek hai.
हाँ मैं पंजाबी हूँ. क्वेश्चन नंबर 17. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन मार्च टू अप्रैल, अक्टूबर टू नवंबर, जून टू जुलाई. खरीफ क्रॉप कब होती है गाइस? अब देखो, अब ये तो सिर्फ मैप के क्वेश्चंस नहीं, यू गाइस वी लाइक सिर्फ मैप पूछी जा रहे हो मैम. अब मैंने एग्रीकल्चर का पूछ रही हूँ मैं, राइट? ये बेसिक है एग्रीकल्चर का. रबी, खरीफ, जैद. इन आई कैन सी द परसेंटेज, 8 लोगों ने सही दिया है, बाकी के 18 लोगों ने एकदम गलत. दिस इज द बेसिक्स, लाइक बेसिक्स हैं तुम्हारे. नो चिराग, तुम देखो, अब तो मैंने एग्रीकल्चर का पूछा, अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए था. वैभव का भी सबका गलत हुआ, रिया का गलत हुआ, शुड नॉट बी रॉन्ग. हाँ, तुषार, अनिरुद्ध, फास्टेस्ट, इरिप्लेसिबल, बानी, रुद्राक्ष, भावना, रिया, चिराग, वैभव, जॉर्डन. सॉरी गाइस, सब कुछ देखना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम. ओके, सो यस, तो शार, अनिरुद्ध, ओके, फास्टेस्ट, इरिप्लेसिबल, बानी, रुद्राक्ष, भावना, रिया, चिराग, वैभव एंड जॉर्डन. ठीक है जी. ओके, हाँ जी, नमस्ते. क्या बात है, नमस्ते, कैसे हैं आप? मोहित, वेयर वुड यू फाइंड कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट? कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको कहाँ मिलेगा? केरला, आंध्रा, कर्नाटका. सो कर्नाटक, और ये आपको पूछा गया है एग्जाम में, मैप में नहीं, डायरेक्ट ऐसे कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेयर इज इट? कर्नाटका. ठीक है, तो ये आपको मैच द फॉलोइंग एमसीक्यूज किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, एंड ये पूछा गया है आपको. ठीक है, तो वहां से उठा के मैंने डाला है. खाएगा नहीं, कहेगा. खाएगा नहीं, अच्छा चलो, तुषार का गलत हुआ, कोई चक्कर नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. अनिरुद्ध, फास्टेस्ट, इरिप्लेसिबल, बानी, रुद्राक्ष, भावना, चिराग, रिया, थॉमस एंड वैभव. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अनअकैडमी से पढ़े हुए बच्चे भूलते नहीं है, है ना? वर्षा, आपका नाम क्या था? सार्थिका, राइट? हाँ हाँ, यस, दे डोंट फॉरगेट इट. क्वेश्चन नंबर 19. मैं वो खारिफ क्वेश्चन पालमपुर वाले चैप्टर से है. अच्छा ठीक है. ये क्या है? ब्रिक सॉइल था, ब्रिक सॉइल नहीं, ब्रिक सॉइल इज अनदर नेम फॉर रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल. हाँ जी, आज ही करवाया है, आज ही करवाया है ना. ब्रिक सॉइल है जी, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल नहीं होती है, ब्लैक सॉइल भी नहीं होती. ठीक
सबने सही किया, वेरी नाइस। भावना ने छोटू सी जंप लिया ऊपर। सो तुषार अनिरुद्ध रिप्लेसेबल बानी भावना रुद्राक्ष चिराग थॉमस वेबर फास्टेस्ट एंड जॉर्डन। ठीक है जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 out of 25 एवरीवन। मॉनसून्स आर ब्रॉट इन इंडिया बाय नॉर्थ वेस्टर्लीज, साउथ वेस्टर्लीज, साउथ ईस्टर्लीज। कैसे आते हैं मॉनसून्स इंडिया में? क्लाइमेट इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू गाइज शुड नो। यस, सो 50-50 आंसर, 12 लोगों ने गलत, 12 ने सही, राइट? जबकि सबने सही देना था ये। ओके, साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून। ओके, राइट। तुषार फर्स्ट एंड फास्टेस्ट, इररिप्लेसेबल एंड अनिरुद्ध ऑलमोस्ट पास पास में। देन वी हैव वानी भावना चिराग रुद्राक्ष थॉमस और वैभव पास पास में, जॉर्डन भी। ठीक है, क्वेश्चन 21। ड्यूरिंग समर्स ITCZ इज ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन या फिर इक्वेटर। Now, if most of you are wondering what is this ITCZ, my friend, you need a lot of help because ITCZ is basic, okay? Oh, yes, but 10 people got it absolutely wrong. 13 people got it right, 10 people got it wrong, which is not good. Guys, come on. Boards are 3 months away. तुषार इरिप्लेसिबल, अनिरुद्ध बानी, चिराग भावना, रुद्राक्ष, वैभव फास्टेस्ट, थॉमस एंड जॉर्डन। ठीक है, ओके आयशा। आयशा, हाउ कम यू ज्वाइंड लेट? यू ज्वाइंड वेरी लेट, यू वर देयर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप तो शुरू से चैट में बोल रहे थे मेंटी मेंटी मेंटी, हाउ कम यू ज्वाइंड सो लेट? Why did you join late? उसी हिसाब से I should have seen you in the leaderboard also. I thought you were like super prepared. I was like, तुम तैयारी करके आई हो? देखो पूछ लो मेंटी जो भी पूछना है। What happened? Misclick हो गया? क्या हो गया? What's the problem? On which river is Tehri Dam built? रावी, गंडक, भागीरथी। आपको Tehri Dam कौन सी river पर मिलेगा? बताइए जरा। Yes, absolutely right. Tehri Dam आपको मिलेगा जी भागीरथी रिवर पर उत्तराखंड में। ओके, तुषार अनिरुद्ध फिर से सेकंड पे आ गए हैं। ये तीन लोगों ने ऊपर जगह रोक ली है, इररिप्लेसिबल एंड देन बानी भावना चिराग रुद्राक्ष वैभव फास्टेस्ट थॉमस एंड जॉर्डन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जवार इज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट इन डैश इन इंडिया। जवार सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है इंडिया में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इसका तो बहुत ही फनी मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना याद करने की। यस, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी नाइस। सो तुषार अनिरुद्ध इररिप्लेसिबल, रुद्राक्ष फास्टेस्ट, भावना बानी चिराग वैभव थॉमस एंड जॉर्डन। ठीक है, रुद्राक्ष फास्टेस्ट। ओके,
24 Os, Aman, Boro are deciduous trees, evergreen trees, crops of rice, local names of seasons. क्या है Os, Aman, Boro? बहुत बढ़िया. सो कितने लोगों ने, अरे 50-50 अगेन, 12 लोगों ने सही, 12 लोगों ने गलत. Os, Aman, Boro डेफिनेटली यस सही आंसर है. क्रॉप्स ऑफ राइस, तीन क्रॉप्स राइस की होती हैं ये ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर. सो तुषार फास्टेस्ट एंड फर्स्ट, अनिरुद्ध इरिप्लेसिबल, बानी भावना, रुद्राक्ष चिराग, वैभव थॉमस है जॉर्डन. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ओके. क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ 25. ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स यूज ऑफ traditional seeds, HYV seeds, both. HYV seeds, बेटे green revolution is all about high yielding variety seeds. ठीक है, इसमें ज्यादा green revolution mainly traditional तो कहीं use होते होंगे, but green revolution mainly क्या लेके आया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लेके आया. इट वॉज अबाउट दैट. ठीक है, सो वी हैव आवर विनर फॉर टुडे, अ न्यू विनर, एंड दैट्स ग्रेट. तुषार ही जीतेगा, उसको पता था. ठीक है, तुषार, अनिरुद्ध और बाकी सब जो मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं क्लियरली, गाइज बहुत ऑसम, राइट. बट बहुत सारी ऐसी बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें मुझे लगा कि आप लोगों को आना चाहिए था, लेकिन आपको थोड़ा सा मुझे लगा डिसअपॉइंटिंग कि यार ये तो खरीफ रबी ये क्रॉप्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, इसको आप नहीं मिस कर सकते. ठीक है, तो इसीलिए मतलब अगर आप, चलो मैं आज, हाँ सच, स्पेशल क्लास मैंने आपको बतानी है, आज स्पेशल क्लास 4 बजे है. ठीक है, मैं बताती हूँ आपको. हाँ, अगर आपने क्विज में पार्टिसिपेट करना होता है ना गाइस, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम जो अनअकैडमी की क्विज है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है. ऐप डाउनलोड कर लिया, लॉग इन कर लिया, गोल में जाइए, मेन्यू बटन पे जाके प्लस में जाइए, नीचे होता है प्लस में. ठीक है, उसमें टेस्ट होंगे, टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा ज्वाइन क्विज, होस्ट क्विज, होस्ट क्विज. ज्वाइन करके कोड डाल दीजिए जो आपका एजुकेटर आपको देगा, आप क्विज ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, और वेट कीजिएगा, आप स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये तो मैंने सेकंड टू फोर्थ ले ली थी क्लासेस. अब मैं आपको बताती हूँ कि आज जो 4 बजे क्लास है, 4 PM देयर इज क्लास. आई विल टेल यू हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम्स. ठीक है, अब आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, यू गाइज नीड टू नो ऑल दीज काइंड ऑफ टिप्स. ठीक है, इसीलिए ये इस टाइप की टिप्स जो होंगी वो प्रैक्टिकल होंगी, जो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी परसेंटेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकती है इफ़ यू अटेंड दिस क्लास. एंड क्या है, जो टिप्स हैं आप उनको एक्चुअली रिलीजियसली अप्लाई कर लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपकी सिलेबस कवरेज में, आपकी प्रैक्टिसिंग. तो आई मेक श्योर कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो उस क्लास से. तो डू नॉट फॉरगेट, कैसे आपने अनअकैडमी की क्लास आपने कैसे ज्वाइन करनी है, आपने क्या करना है, नीचे जाओ, वैसे तो अपना डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे है एजुकेटर्स प्रोफाइल, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे रुपिंदर कौर का मेरा पेज खुल जाएगा, आपको वहाँ पे मेरी क्लासेस दिख जाएंगी, फॉलो कर लो मेरे को. टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, मैं लिंक डाल दूंगी क्लास का. तो और कुछ हसल वसल कुछ नहीं, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करना है, यू विल अटेंड दी क्लास, वो कर लेना है आपने. ठीक है जी, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कल असेंड क्विज है. क्या है, असेंड क्विज. ओके,
6 दिसंबर 11 AM to 12 PM एक घंटा क्लास चलेगी। 100 मार्क्स का है क्विज पूरा, 40 क्वेश्चंस है, मैथ्स एंड साइंस आपको आएंगे। एंड फर्स्ट टू थर्ड जो आएगा उसको 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फ्री है, और जो फोर्थ टू टेंथ आएगा उसको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री है, ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन, तो इसीलिए इसको ना छोड़ना नहीं है। 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हम दे रहे हैं, उसके बर्थ की स्कॉलरशिप दे, सो डू नॉट फॉरगेट इट। अच्छा, फैबुलस फैक्ट्स, यू आर द विनर, ठीक है जी, ठीक है, चलो जी चलते हैं अब। ओके ओके, प्रंकुर यू आर बनी, ओके ओके ओके, प्राची वॉज इररिप्लेसेबल, ओ प्राची, गुड 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 यार, वेरी गुड, समर्थ, ओके ओके, ग्रेट गाइज, यू डिड वेरी वेल, एंड आई विल सी यू टुडे एट 4 PM, डू नॉट मिस द क्लास, बहुत यूजफुल टिप्स मिलने वाली है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है क्लास को 4 बजे, ठीक है जी, चलो गाइज, टेक केयर।